में उपयोगी बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें घर के किचन में मिलने वाले मसालों से लेकर आयुर्वेदिक औषधियां यानी कि हर्ब्स का उपयोग करके किस तरह से हम केमिकल्स से निजात पा सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अपने जीवन को नेचुरल तरीके से जीने के लिए हम बात करते हैं। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं हमेशा बताता हूं कि जो लोग किसी भी गंभीर बीमारी से यानी कि क्रॉनिक कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं और उनकी ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर से या जीपी के साथ चल रही है, तो जब आप आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद लाइफस्टाइल को अपनाएं, डाइट को अपनाएं, आयुर्वेद हर्ब्स को अपनाएं, तो एकदम से अपनी दवाइयाँ जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको बंद ना करें, अपनी जीपी की सलाह के अनुसार उसमें आगे बढ़ें। आज हम बात करने जा रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। लास्ट वीक हमने बात की थी ब्लड प्रेशर के बारे में और तब मैंने बताया था कि इससे ही जुड़ी हुई एक बीमारी हाइपरलिपिडेमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम बात करेंगे। आज करीबन 7.5 से 8% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी की चपेट में है। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में भी अनहेल्दी डाइट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल का प्रमाण लास्ट 20 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। आपने खुद ने देखा होगा कि आपके आसपास फास्ट फूड के आउटलेट्स, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, पिज़्ज़ास, पास्तास, बर्गर्स, इजीली अवेलेबल रेडीमेड फूड के आउटलेट्स काफ़ी खुल चुके हैं, जिसके कारण हमारी जीवन शैली जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेजी बनती जा रही है। पहले हम हर रोज़ मार्केट में जाकर फ्रेश चीज़ों को लाकर खाना पकाते थे, आज के जीवन में हम जाते तो हैं शॉप में, एवरीडे जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ रेडीमेड फूड खाते हैं। वो एक ऐसा फूड है जो महीनों से बना हुआ है, पैक हुआ है, प्रिजर्वेटिव के साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स को डाला गया है, उसको खोलते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और खाते हैं और फिर हम आशा रखते हैं कि हम हेल्दी हों। ये कैसे पॉसिबल है कि जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी प्रयत्न के बिना सिर्फ आलस के कारण, लेजीनेस के कारण, या तो अपना जो एक्सक्यूज़ आप हर कोई देता है कि आई डोंट हैव टाइम, ये जो एक्सक्यूज़ है उसके कारण आप जो इजीली अवेलेबल होता है वो खाते हैं और जो इजीली अवेलेबल होता है वो इजीली बॉडी में डिजीज करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल एक डाइट से कनेक्टेड बीमारी है और इसका सीधा संबंध आपकी लाइफस्टाइल और आपके खाने के तौर तरीकों के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के साथ अगर हेल्दी डाइट आपके जीवन में नहीं है, कितने भी एक्सरसाइज आप करें, लेकिन अगर आप ऐसे ही रेडीमेड मील्स, टिन फूड, प्रोसेस फूड्स, प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड्स अगर आप खाते रहेंगे तो कितनी भी एक्सरसाइज आप करें ये चीज़ें शरीर में जाके नुकसान ही पहुँचाएंगी। और आयुर्वेद हमेशा यही कहता है कि जो नेचर हमें देता है एज इट इज़, उसी चीज़ को हमें सीधा उपयोग करना चाहिए। फार्म में से आने वाले वेजिटेबल्स अगर उसको कट कर फ्रोज़न कर हमारे घर पर हम लाते हैं तो वो एक नेचुरल तरीका नहीं है। आज लोग इतने ज़्यादा आलसी या लेज़ी बन चुके हैं कि वो लोग फ्रेश वेजिटेबल लाकर उसको कट भी नहीं करते, उनके ऑलरेडी रेडीमेड फ्रोज़न वेजिटेबल के जो पैकेट्स आते हैं उसको खोलकर उसको पकाते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए मायने रखती हैं कि आपके फ्रिज के अंदर सबसे कम चीज़ें होनी चाहिए और आपकी किचन के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रेश चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाके आप अपने जीवन के अंदर हेल्थ को वापस ला पाएंगे। मेरे करीबन
70-80% पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा कहते हैं कि लंच टाइम पर हम हमेशा बाहर खाते हैं, वीक में 1 से 2 बार या 3 बार हम डिनर भी टेक अवेज लेते हैं या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होती है आपको बीमार करने के पीछे। अगर आपको खुद पता है कि आपने खुद जाकर शॉपिंग की है, फ्रेश चीज़ आप घर पर लाए हो, आपने खुद ने पकाया है, उस चीज़ को अगर आप पैक लंच की तरह ऑफिस में और शाम को खुद पकाकर डिनर बनाकर खुद अगर उसको खाएं, तो आपको पता है कि वो खाने में क्या क्या है और वो आपके लिए कितना सेहतमंद है। लेकिन बाहर से खाना, बाहर से टेक अवे लेना, बाहर से रेस्टोरेंट में जाकर खाना, लंच में बाहर जाकर कुछ ना कुछ ग्रैब करना, उसको मैं मना नहीं करता, लेकिन वो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा अगर बन जाता है तो वो सही नहीं है। अगर शरीर के अंदर चीज़ें इकट्ठी होती है, नेगेटिवली एक्यूमुलेट होती है, वही चीज़ें डिजीज़ या तो रोग पैदा करती है। मेडिकल साइंस कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, हर एक कोई कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिवर पैदा करता है, और ये जो सब्सटेंस जो है वो हमारे शरीर में काफ़ी अच्छे फंक्शंस करने के लिए बना हुआ है। जैसे कि हमारे जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेशन कैप्सूल्स होते हैं, जिसको हम चिकनाहट कहते हैं, जिसके कारण हमारा हमारे जो जॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से मूव करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की देन है। हमारी नर्वस सिस्टम, हमें अगर भूलने की आदत होती है या हम भूल जाते हैं या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो नर्व्स हैं उसमें जो मैसेजेस पास करने के लिए जो चैनल्स बनती हैं, जो न्यूरॉन्स बनते हैं, उसको कोलेस्ट्रॉल सही करता है। यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर एक्सट्रीमली हेल्थ को प्रदान करता है, लेकिन वही कोलेस्ट्रॉल जब आउट ऑफ द बैलेंस हो जाए, यानी कि नेगेटिव कोलेस्ट्रॉल बन जाए, तो वो शरीर में नुकसान करता है। कोई भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में नुकसान करती है, वो हर कोई जानता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर वो बैलेंस है बॉडी के अंदर, तो आपके शरीर के सारे फंक्शन काफ़ी अच्छी तरह से चलते हैं। आपकी बॉडी की मूवमेंट्स हो, या ब्रेन फंक्शन हो, या आपकी देखने की शक्ति हो, या आपकी दौड़ने की, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने की, हार्ट फंक्शन, पंपिंग, एवरीथिंग बेसिकली। कोलेस्ट्रॉल बैलेंस्ड, इट मीन्स योर इंटरनल ऑर्गन्स आर डूइंग रियली वेरी वेल। लेकिन वही कोलेस्ट्रॉल आपकी खाने पीने के तौर तरीकों के कारण, या तो लैक ऑफ स्लीप, लॉट ऑफ स्ट्रेस, स्मोकिंग, गलत चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना शरीर के अंदर, जब वो बिगड़ता है, जब वो आउट ऑफ द बैलेंस होता है, वही कोलेस्ट्रॉल जानलेवा साबित होता है। इट कैन बी फेटल, एक्सट्रीमली फेटल, और इसीलिए हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो जो भी मैं बात आपको बताऊँ उसको आप नोट करें। इसलिए नोट करें क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है, एक भय है लोगों के अंदर कि हर तीसरे आदमी को जब पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं स्टेटिन खाता हूँ। हर तीसरे आदमी को आप पूछें तो मैं ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाता हूँ। ये जो भय है, ये फियर है, इसका एक ही कारण हो सकता है, और वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर आपको पता ही नहीं कि ये चीज़ क्या है, और सिर्फ लोगों की बातों को सुनकर, टीवी पर देखकर, इंटरनेट पर पढ़कर अगर आप उसी चीज़ को मानने लगते हैं या समझने लगते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे सिर्फ दवा ही बचा सकती है, ये एक गलत सोच है, और इसीलिए अवेयरनेस होनी काफ़ी ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है, हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है कि सिर्फ डाइट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं कि हम टैबलेट्स या स्टैटिन्स खाएं कि वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानकारक होती है। उसके बारे में हम आगे एपिसोड में बात करेंगे कि स्टैटिन्स के क्या नुकसान या फ़ायदे हैं। करीबन एवरी अदर डे डेली मेल में स्टैटिन के बारे में कुछ ना कुछ आता है। अगर आप शौकीन है पढ़ने के, तो डेली मेल न्यूज़पेपर में हर ट्यूसडे को हेल्थ का एक इश्यू आता है, और उसमें
एनएचएस से लेकर वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट स्टैटिन के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, और वो काफ़ी खूबसूरत एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि वो लोग समझाते हैं कि स्टैटिन कितना ज़्यादा शरीर में नुकसान करती है। तो मेडिकल साइंस के मुताबिक दो प्रकार के, मेनली दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और दूसरा होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL एंड LDL। HDL एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो बेसिकली इट टेक्स अवे द फैट फ्रॉम द सेल एंड टेकिंग आउट फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट के रूप में शरीर में से वो बाहर निकालती है उस चर्बी को, इसलिए उसको HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एंड LDL जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इट इज़ बेसिकली टेकिंग योर फैट्स टूवर्ड्स द सेल, यानी कि ऑर्गन्स आर्टरीज उसके अंदर चर्बी को जमा करता है, और इसीलिए LDL काफ़ी ज़्यादा नुकसानकारक माना जाता है। इसलिए जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो अगर आपका LDL ज़्यादा होता है तो डॉक्टर आपको स्टेटिन खाने की सलाह देता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें, टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो 5 से कम या तो 5 के आसपास आपका अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल है, इट मीन्स यू आर हेल्दी। अगर आप हाई रिस्क फैक्टर में से गुजर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी को हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो डॉक्टर समझते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 4 के आसपास ये होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल हैं तो अराउंड अबाउट 5। अगर आप हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है अगर कोलेस्ट्रॉल की, तो इट शुड बी अराउंड अबाउट 4। वॉट अबाउट LDL? LDL जो सबसे नुकसानकारक कोलेस्ट्रॉल है, अगर आप नॉर्मल है, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, देन योर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन शुड बी अराउंड 3, एंड इफ यू आर हाई रिस्क पेशेंट इट शुड बी अराउंड 2। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा LDL 3 से ज़्यादा ना हो और हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल 5 से ज़्यादा ना हो, और ये हमें पता चलता है ब्लड टेस्ट के माध्यम से। ब्लड टेस्ट इसलिए करवाना पड़ता है, हमें पता चलता है कि ब्लड के अंदर कितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, नेगेटिव कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है और वो कहाँ कहाँ जाकर नुकसान कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल एक बीमारी नहीं, कोलेस्ट्रॉल इज अ नेचुरल प्रोसेस विच इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय योर लिवर, लेकिन जब वो एक्सेसिवली बढ़ जाता है शरीर के अंदर, तब जाके वो बीमारी को परिणाम देता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाली बीमारियां आपको ज़्यादातर पता है। कौन सी कंडीशंस में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है? सबसे पहले जब आपका डाइट सही ना हो, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। आप NHS में भी जाएं, डॉक्टर के पास भी जाएं, या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के भी पास जाएं, वो सभी लोग आपको यही कहेंगे, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपका कोलेस्ट्रॉल सही नहीं है। और दवाई खाने से पहले आप डाइट फॉलो करें, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल अपने डाइट को कंट्रोल करके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करें। एक सीधी सी बात है, जब चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं शरीर के अंदर, तो उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाना है शरीर के अंदर टूवर्ड्स थ्रू द सेल्स ऑर्गन्स। जब वो उसको यूज़ करेंगे तो खुद ब खुद वो कोलेस्ट्रॉल कम होता जाएगा। लेकिन जो शरीर में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, उसको कम करने के लिए सबसे पहला उपाय है कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली जो चीज़ें बाहर से हम खाते हैं उसको सबसे पहले बंद करें। अगर आप दवाई भी खाते हैं और आप पिज़्ज़ा भी खाते हैं, दवाई भी खाते हैं और समोसे भी खाते हैं, दवाई भी खाते हैं और मिठाइयाँ भी खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल कहीं नहीं जाने वाला, कोलेस्ट्रॉल वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। ऊपर से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, एंड दैट इज़ क्वाइट डेंजरस। और ऐसी स्थिति में लोग स्टेटिन भी खाते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी खाते हैं और गलत फूड भी खाते हैं, तो ये करने का कोई मतलब मैं समझता नहीं, क्योंकि वो बीमारी आपकी कहीं नहीं जाती। आप दवाई खा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं, और आप वो खाने की चीज़ों को भी बंद नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी शरीर में जाकर नुकसान कर रही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि किस तरह से आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल सही हो, तो सबसे पहले अपना डाइट सही करिए।
अगर डाइट सही नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई भी दवाई, वो डॉक्टर की हो या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की हो या होम्योपैथिशियन की हो या नेचुरोपैथी की हो, कोई भी दवाई काम नहीं करेगी जब तक आप अपने डाइट को सही नहीं करेंगे। और इसीलिए इस एपिसोड में मैं बार बार डाइट के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये डाइट से हम इस बीमारी को सही कर सकते हैं। इसलिए कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि डाइट करने से उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। डाइट कैन बी हेल्पफुल बट नॉट द क्योर। इन हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट कैन बी द क्योर, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 40 साल से आपकी उम्र अगर ज़्यादा है तो हर 6 महीने में अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL के बारे में जानें। प्रीकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल अगर बॉर्डर लाइन पे है या तो बढ़ रहा है, तो दैट इज अ टाइम वेर वी कैन बी मोर कॉशियस एंड स्टॉप ईटिंग द रॉन्ग थिंग्स। रादर देन वेटिंग टू लॉन्ग इन्वाइटिंग दैट डिजीज इन द सिस्टम एंड देन टेक सो मेनी टैबलेट्स टू सॉर्ट दैट डिजीज आउट, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच to get better. That's why it's very important you should be aware, be cautious about your system. जैसे कि मैंने बताया कि गलत खाने के तौर तरीके सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है स्मोकिंग। कई बार लोग मुझे पूछते हैं स्मोकिंग से कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। स्मोकिंग करने से जो आपकी आर्टरीज हैं वो सिकुड़ती है, दे बेसिकली नैरो होती हैं, और उसके कारण जो इजीली मूविंग एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के वो इजीली मूविंग नहीं होते एंड दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग जो आर्टरीज की दीवारों के ऊपर, ये प्लाक के रूप में यानी कि चर्बी के रूप में जमा होने शुरू हो जाते हैं, और उसी के कारण फिर हार्ट का स्ट्रोक या हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें तभी होती है। बीमारी को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि नलियों का सिकुड़ना और उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमना, और एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद ही स्ट्रोक होता है, क्योंकि कोई चीज़ में अगर फ्लो सही नहीं हो रहा, वहाँ पर अगर ब्लॉकेज होता है और वो एरिया आपका ब्रेन हो या हार्ट, हार्ट के चेम्बर्स हों जहाँ पर खून माइक्रो की माइक्रोसेकंड भी अगर नहीं जाता तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दूसरा कारण मैं मानता हूँ स्मोकिंग, स्पेशली चेन स्मोकर्स। आई डोंट बिलीव कि स्मोकिंग किसी भी प्रकार से आपको हेल्दी रखता है। वो आपकी लंग कैपेसिटी को कमज़ोर करता है, आपके ऑक्सीजन को शरीर के अंदर जाने से रोकता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कम करता है यानी कि योर बॉडी कैरिंग द इम्प्योर ब्लड रादर देन द प्योर ब्लड, कैपेसिटी ऑफ योर हार्ट फंक्शन, पम्पिंग ऑफ योर हार्ट फंक्शन, सेम थिंग अदर ऑर्गन्स डू सफ़र विथ स्मोकिंग एज वेल। सो प्लीज़ डोंट स्मोक, डोंट गिव एक्सक्यूज़ कि मैं एक सिगरेट पीता हूँ, दो पीता हूँ, सिर्फ 4 पीता हूँ, सिर्फ 5 पीता हूँ, पूरे वीक में सिर्फ 1 बॉक्स पीता हूँ, दिस आर द एक्सक्यूजेस। पॉइजन इज पॉइजन, यू डोंट हैव टू स्मोक टू गेट हेल्दी। एक सिगरेट भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज दैट्स वेयर द होल हैबिट स्टार्ट्स एंड देन यू स्टार्ट हैविंग द मोर एंड मोर गोइंग इन द सिस्टम। So second biggest reason for high cholesterol or second biggest reason to for atherosclerosis is smoking. So stop smoking. Teesra bada reason hai, if you are already a hypertension patient, if you are already a high blood pressure patient, jaise ki humne last week baat ki thi, high blood pressure mein jo arteries ki deewaron par jo pressure banta hai uske karan cheeze accumulate hoti hai. अच्छा, मुझे बताया गया कि मेरे ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के बाद मेरी फोन लाइंस खुल जाएंगी, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे फोन कीजिएगा। मिलते हैं एक छोटे से। And like a mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 GB of ultra-fast 4G data, unlimited UK minutes and texts, plus 100 international minutes to selected countries for the low price of just £15 for 30 days. Experience a faster world with our 4G network. Terms and conditions apply. To order your free SIM, visit leicamobile.co.uk today. Your data, your way. Leica Mobile. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business.
You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Swag se karenge sabka swagat. Swag se karenge sabka swagat. Swag se karenge sabka swagat. Kismat kab kya karegi? Kisko pata hai? खुशी गम शुभ अशुभ दुख सुख आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल एमए टीवी पर। हिस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक विद 303 एयर कंडीशन रूम्स एंड स्वीट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्वेट स्पेसेस इन लंदन, मीटिंग रूम फॉर अप टू 1200 पीपल, कॉन्फ्रेंसेस, म्यूजिकल फंक्शन, वेडिंग्स या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ हिस्टन हाइट। फॉर बुकिंग्स कॉल 0208-572-1818। Gateway Gazette is a program about Christian minorities throughout the world. We focus especially on Christian minorities in India and in Pakistan. Watch us on this channel every Thursday 8:15 p.m. London time. हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी एमए टीवी जरूर देखते हैं। They might be your future customers, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MA TV. Advertise, promote and market your product and services on MA TV. Call MA TV sales on 07970-337036 or 0208-795-0026. World famous Indian psychic reader Pandit Raj Sharma is in London. Please contact him for all your marriage, love, children, family and relationship related issues. You can also speak to him regarding your personal issues. Also take spiritual advice from him. Call him now on 07404-777-88. वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में, हाइपरलिपिडेमिया के बारे में, और मैं आपको बता रहा था कि व्हाट आर द लेवल शुड बी, कौन सी चीज़ों के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द लिवर। लिवर इज़ द किचन ऑफ द बॉडी। सब कोई जानते हैं कि अगर लिवर हेल्दी है तो लाइफ हेल्दी है। बहुत सारी चीज़ें लिवर में से बनती हैं और इसलिए लिवर का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लिवर को पसंद है प्रोटीन, जितना ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं लिवर को मजबूत बनाता है। लेकिन अगर आपकी किडनीज ख़राब हैं तो यू कॉन्ट टेक टू मच प्रोटीन। सो इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट कंडीशंस यू आर गोइंग थ्रू। मेरी फ़ोन लाइंस जो हैं वो खुल चुकी हैं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। लेकिन तब तक हम ये टॉपिक जो हाई कोलेस्ट्रॉल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डाइट के बारे में बात करने से पहले हमने बात की स्मोकिंग के बारे में, उसके बाद हमने बात की एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, विच इज़ द नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज विच इज़ कॉजिंग लॉट ऑफ अदर conditions like a stroke, cardiac arrest, renal failure, so many other things can happen. उसके बाद सबसे महत्व की बात है saturated fats. लोगों को आदत होती है कि बिना सोचे बिना जाने सारी चीज़ों का उपयोग करना। अभी हमने शुरुआत की थी जब शो की, तब मैंने आपको बताया कि रेडी मेड मील्स या तो प्रोसेस फूड्स, टिन फूड्स, there is no need to eat this kind of food because they are not getting any healthy substance in the system. हम सिर्फ शरीर को खिलाने के लिए नहीं खाते हैं, we have to make sure कि जो fuel हम शरीर के अंदर डालते हैं, it's like a car,
अगर आप अच्छी कार ड्राइव कर रहे हैं और उसमें अच्छा फ्यूल डालते हैं, द परफॉर्मेंस इज मच बेटर. सेम थिंग विद द ह्यूमन बॉडी, इज अ मशीन. अगर आप कोई भी जिस अनहेल्दी काइंड ऑफ फूड अगर आप रेगुलरली अपने शरीर को फीड करते हैं, देन परफॉर्मेंस विल बी सेम एज वेल, आउट ऑफ द बैलेंस. और ये मशीन कभी भी खराब हो सकता है. इसलिए अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करना है तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप सैचुरेटेड फैट वाली सारी चीज़ें ना खाएं. सैचुरेटेड फैट एक ऐसा फैट है जो घंटों तक या दिनों तक शरीर के अंदर पड़ा रहता है, पचता नहीं. और जब वो नहीं पचता तब वो आर्टरीज में जाकर बैठ जाता है और तभी जाके ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है. सैचुरेटेड फैट में सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर जिसका नंबर आता है वो है फ्राइड फूड. तली हुई चीज़ें ना खाएं. अगर आपको बीमारी है, अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, अगर आप फिजिकली इतने एक्टिव नहीं हैं, अगर आपके फैमिली में कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर हैं, तो तली हुई चीज़ें ओकेजनली वंस और ट्वाइस इन ए ईयर इट्स ओके, लेकिन डोंट ईट टू मच. इट डजंट गिव यू एनी हेल्थ. अनफॉर्चुनेटली जितनी भी तली हुई चीज़ें होती हैं वो, जैसे कि तेल, आपने देखा होगा जब तेल आप पानी में डालती हैं तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है. सेम थिंग व्हेन यू ईट एनी फ्राइड फूड, इट फ्लोट्स इन द स्टमक, इट डजंट डाइजेस्ट एंड इट स्ट्रेट अवे गोज इन योर ब्लड एंड कॉजेज अनवॉन्टेडली सैचुरेटेड फैट्स, अनवॉन्टेडली प्लाक्स, ब्लॉकेजेस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज. सो फैटी फूड्स ना खाएं, रिच इन फैट्स फूड ना खाएं, फ्राइड फूड्स ना खाएं, बासी, मोर देन यू कुक दैट फूड मोर देन 12-14 आवर्स बिफोर पुटिंग इन द फ्रिज, टेकिंग इट आउट, वार्मिंग इट अप इन द माइक्रोवेव एंड हैविंग दैट, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. चलिए हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं पहले. हेलो. हेलो डॉक्टर रोहन जी, नमस्कार. नमस्कार, बोलिए. हाँ जी, मैं पूछना था, मेरी बेटी है 20 इयर्स की ना. हाँ, तो उसका ना पेट 2-3 महीने बाद पता नहीं क्यों ऐसे दर्द होता है पूरा, और फिर ना जैसे फूल जाता है बलून की तरह ना. अच्छा, तो ऐसे पता नहीं क्यों होता है. तो स्कैन वगैरह भी डॉक्टर ने किया है हॉस्पिटल में ना, पर कोई नुक्स नहीं आया है. कितनी उम्र है उसकी? उनकी 20 इयर्स. अच्छा, और उसके पीरियड्स रेगुलर है? हाँ, पीरियड उसके 4 वीक के बाद रेगुलर आते हैं. रेगुलर है. अच्छा, हाँ जी, हाँ जी. और ये जो दर्द होता है हर 2-3 महीने में होता है या हर महीने? दो तीन महीने के बाद ही. अच्छा, और वो पेन किलर खाती है तो सेटल हो जाता है पेन? ना, पेन किलर खाती है ना, पैरास्टामोल में देती हूँ, उससे कोई सेटल नहीं होता, फिर ज्वाइन का पानी वगैरह देती हूँ. अच्छा, और ये पूरे स्टमक, पूरे पेट के एरिया में होता है या सिर्फ जैसे जहाँ पे क्या बोलते हैं टुन्नी है ना, नाभि के आसपास, नाभि के उसके अंदर मैं फिर उसके तेल डाल देती हूँ बेबी ऑयल ना, तो ऐसे हो जाता है जैसे ब्लू नहीं फुल जाता. समझ गया, समझ गया. ओके, आप अपने टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ क्या कर सकती हैं आप. थैंक यू. देखिए, 20 साल की उम्र है आपकी बेटी की और उसको पेट में काफ़ी दर्द रहता है और हर 2-3 महीने में एक बार होता है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है. मैं समझता हूँ कि उसका लिवर और उसका गॉल ब्लैडर सही काम नहीं कर रहे हैं, उसका बॉडी जो है वो एंजाइम्स नहीं बना रहा. अपनी बेटी को कहें कि अपने डाइट में स्पेसिफिकली 6 महीने तक शाम के टाइम पर रोटी खाना बंद कर दें, डोंट ईट एनी व्हीट. गिव लिटल बिट ब्रेक टू योर ऑर्गन्स. अगर आप अपने शरीर को ब्रेक नहीं देंगे तो शायद चीज़ें सही नहीं होगी. और उसको कहें कि जितने भी बाहर के फूड्स हैं जिसके बारे में अभी बता रहा था, रेडीमेड पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, फास्ट फूड जिसको कहते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा केमिकलाइज्ड और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने वाले होते हैं, वो सारे फूड्स बंद कर दें. और उसको आप खाना खाने के बाद सुबह शाम आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच ज़ीरा रोस्टेड करके गर्म पानी के साथ दें. जब भी दर्द फिर से उठे तो उसमें हींग का पेस्ट उसकी नाभि के आसपास लगाएं. हींग जिसको कहते हैं एसाफटिडा, पानी में मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं और नाभि के आसपास लगाएं, जिससे अगर वो गैस्ट्रिक ट्रबल है तो वो कम हो जाएगी. और लास्ट चीज़, उसको कहें कि पपीता खाएं काली मिर्च डालकर. अगर उसको पपीता नहीं पसंद तो COQ10, मैं हमेशा बताता हूँ, इट्स एंजाइम्स टैबलेट, जो उसको कहें कि कम से कम एक आफ्टर लंच एवरी डे लें, उससे उसको काफ़ी फ़ायदा होगा. थैंक यू.
तो हम बात कर रहे थे हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में. हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आप हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड फैट्स के बारे में. जब भी कोई भी चीज़ आप बाज़ार में से मार्केट में से या शॉपिंग करते टाइम पर बाय करते हैं तो उसके बैक ऑफ दैट प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं. वो इंग्रेडिएंट्स में अगर सैचुरेटेड फैट की मात्रा लिखी हुई है तो मैं नहीं समझता कि वो चीज़ आपको खानी चाहिए. सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं, घंटों तक शरीर में पड़े रहते हैं और पचते नहीं. जब पचते नहीं तो आयुर्वेद के माध्यम से अगर बात करें तो वो आम बन जाते हैं. आम का मतलब होता है विष, टॉक्सिन्स, इनडाइजेस्टेड फूड आइटम्स विच डजंट मूव इजीली इन द सिस्टम. इट सिट्स देयर, फर्मेंट्स, सड़ते हैं और उसमें से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पैदा करते हैं. इसीलिए सैचुरेटेड फैट वाले जो फूड हैं वो न खाएं. उसमें ज़्यादातर तेल, घी, ये सारी चीज़ों का शुमार होता है, लेकिन घी जो है वो क्लेरिफाइड बटर है. अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है लेकिन आप फिज़िकली एक्टिव हैं तो आप घी खा सकते हैं, लेकिन मार्जरीन या वेजिटेबल ऑयल ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते. इट्स टू डेंजरस फॉर द बॉडी. सनफ्लावर ऑयल इज़ गुड, रेपसीड ऑयल इज़ गुड, ऑलिव ऑयल इज़ गुड, लेकिन वेजिटेबल ऑयल इज़ नॉट गुड. इट्स क्वाइट डेंजरस. मार्जरीन इज़ क्वाइट डेंजरस. सॉल्टेड बटर इज़ वेरी डेंजरस. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो न खाएं. इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज योर बॉडी एक्यूमुलेट्स मोर फैट्स. नाउ मैं ये नहीं कहता कि फैट गलत हैं शरीर के अंदर, लेकिन जो हेल्दी फैट्स हैं वो खाएं. जैसे कि आप वॉलनट्स खाएं, कैश्यूज खाएं, आप ऑलिव ऑयल खाएं, इट्स वेरी गुड फॉर द सिस्टम. एवोकाडो खाएं. दिस आर द गुड फैट्स विच योर बॉडी नीड्स. लेकिन तली हुई चीज़ें, तेल में पकी हुई चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें, बटर में बनी हुई चीज़ें, रिच इन फैट, रिच इन शुगर, केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, दे आर क्वाइट डेंजरस फॉर कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स. और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये फूड्स जो हैं उसको आप कट डाउन करें. कोलेस्ट्रॉल को सही करना चाहते हैं तो डाइट इज़ मस्ट. डाइट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड इन वेन यू फॉलो द डाइट, द फर्स्ट थिंग वैन यू गो टू योर जीपी, वैन यू गो टू एनी अदर प्रैक्टिशनर इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट थिंग दे मैंशन इज स्टॉप ऑल सैचुरेटेड फैट. और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप शौकीन हैं पराठे खाने के या पूड़ियाँ खाने के, कचौड़ियाँ, समोसे, फ्रिटर्स, तली हुई चीज़ें जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सारी चीज़ें आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होकर नहीं खा सकते. अनफॉर्चुनेटली मे बी वंस अ मंथ, मे बी वन पीस इज़ ओके, बट नॉट टू मच, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. इट डजंट हेल्प अनफॉर्चुनेटली. उसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो टीवी स्क्रीन पर जो फ़ोन लाइन्स बताई गई हैं वो तो आप मुझसे बात करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने के 5 मिनट पहले एक फीडबैक नंबर आएगा. और ये जो फीडबैक नंबर है, ये फीडबैक नंबर पर आप रेस्ट ऑफ द वीक मुझसे बात कर सकते हैं. कोई भी आपका कंसर्न हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, अगर आप टीवी पर आकर बात नहीं करना चाहते, यू कैन यूज़ दैट नंबर एंड स्पीक टू मी. सैचुरेटेड फैट के बाद उस दूसरा नंबर आता है हाई शुगर फूड्स. अब मीठा सबको पसंद होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कहते हैं कि आई क्रेव फॉर शुगर, लेकिन ये आपको मानना है और ज़रूरी है समझना कि देर आर टू वाइट पॉइजन्स, शुगर एंड सॉल्ट, वाइट शुगर एंड टेबल सॉल्ट. इफ़ यू टेक दैम इन एक्सेस अमाउंट और टू मच अमाउंट इन द सिस्टम, इट डैमेजेस योर चैनल्स, इट डैमेजेस योर डाइजेशन, इट डैमेजेस योर आर्टरी फंक्शंस, एंड इट कैन कॉज अ हैवक, अ मैस इन द सिस्टम. और इसीलिए हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट फूड्स ना खाएं. अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं तो प्लीज मेक श्योर करें यू डोंट ईट दोज थिंग्स. हाई इन शुगर, आपको पता है कई बार लोगों को आदत होती है चाय में 2-3-4 चम्मच शुगर डालने की. कई बार लोगों को आदत होती है अनवांटेडली हर एक फूड के बाद में मीठा खाने की या चॉकलेट्स खाने की या केक्स खाने की.
दिस आर द रॉन्ग वे ऑफ डीलिंग विथ योर सिस्टम. और ऐसे भी इफ यू अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ नॉट हैविंग द स्वीट्स आफ्टर द मील, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आयुर्वेद भी यही मानता है कि जब आपके शरीर में खाना जाता है तब जो एसिड्स होते हैं वो खाना पचाने के लिए रेडी होते हैं. एज सून एज यू पुट एनी स्वीट स्टफ स्पेशली इन द इवनिंग आफ्टर योर फूड द एसिड न्यूट्रलाइज एंड देन वो खाना नहीं पचता. इसीलिए मेक श्योर करें कि शाम के टाइम पे अगर आपको फ्रूट खाने की आदत है तो ना खाएं, चॉकलेट्स या कोई स्वीट चीज़ें खाने की आदत है तो ना खाएं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स, बिकॉज इट इंक्रीजेज द शुगर इन शुगर एलिमेंट इन योर ब्लड. एंड व्हेन योर ब्लड हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ शुगर इट डजंट कैरी इनफ ऑक्सीजन टू मेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑर्गन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. एंड दैट्स व्हाई हर एक जितने भी लोग मेरा ये शो देख रहे हैं हर एक लोगों को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर हेल्दी होना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने डाइट में से शुगर यानी कि हाई अमाउंट ऑफ शुगर, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, ये तीन चीज़ों को सबसे पहले ख़त्म करें. दिस आर द थ्री बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनी हेल्थ कंसर्न्स. अगर आज आप देखें तो टीवी के ऊपर या बाहर भी अगर आप जब हाई स्ट्रीट पर या कहीं पर भी जाते हैं तो जो भी फूड्स अवेलेबल होते हैं दे आर वेरी टेस्टी, दे आर वेरी गुड फॉर योर टंग बट नॉट गुड फॉर योर स्टमक. अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जबान के स्वाद के लिए ऐसी चीज़ें ना खाएं विच कैन डू लॉट्स ऑफ एंड लॉट्स ऑफ डैमेज टू योर सिस्टम. ओकेजनली यू कैन डेफिनेटली डू, अगर आप के घर में कोई इवेंट प्रसंग है या कहीं पर जा रहे हैं या समथिंग इज हैपनिंग इन योर फैमिली, यू कैन हैव टू थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स इन अ ईयर, बट नॉट एवरी वीक, नॉट टू टू थ्री टाइम्स अ वीक, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. प्लीज डोंट ईट दिस अनहेल्दी फूड्स, दे आर क्वाइट डेंजरस. एंड दैट्स व्हाई दिस थ्री बिगेस्ट एनिमी सॉल्ट, शुगर एंड सैचुरेटेड फैट्स हैज़ टू कट डाउन. मे बी यू डोंट हैव टू ईट दोज, काफ़ी ज़्यादा उसके ऑप्शंस हैं, शुगर के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं. यू नो दैट स्टीविया मिलता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्दी स्वीटनर्स अवेलेबल इन द मार्केट. यू कैन ऑल्सो यूज़, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ डायबिटीज़, यू कैन ऑल्सो यूज़ हनी. शहद ही एक ऐसा फूड है वर्ल्ड के अंदर जो कभी भी ख़राब नहीं होता, इट डजंट गो ऑफ. कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि मेरा शहद ख़राब हो गया. शहद को अगर आप रूम टेम्परेचर में रखें इट डजेंट गो ऑफ फॉर मैनी मैनी ईयर्स. दैट्स वाई इन आयुर्वेदा वी ऑलवेज बिलीव जितना पुराना शहद इतना ज़्यादा बॉडी के लिए अच्छा. और ये जो शहद है जो गुजराती में इसको मद कहते हैं, हनी कहते हैं, इट इज़ द बिगेस्ट रेमेडी इन हाई कोलेस्ट्रॉल. उसके बारे में हम बात करेंगे जब मैं रेमेडीज के बारे में बात करूँगा. लेकिन देर आर ऑप्शंस टू डील विथ योर शुगर एंड सॉल्ट थिंग्स. शुगर और सॉल्ट के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं. सॉल्ट में भी मैं लोगों को बताता हूँ, हिमालयन सॉल्ट जो पिंक कलर का होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज विद सम काइंड ऑफ नेचुरल स्टफ. व्हाई यू वांट टू ईट समथिंग विच इज़ प्रोसेस्ड, विच इज़ डैमेजिंग योर थायरॉयड ग्लैंड्स, विच इज़ डैमेजिंग योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स इट कैन क्रिएटेड थ्रू दिस कंसर्न्स. तो ये जो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आई एम श्योर यू आर मेकिंग द नोट ऑफ इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं. हेलो हेलो डॉक्टर रोहन, बोलिए. नमस्कार, मारू नाम कला छे. तमें कशो आई ड्रॉप्स की बात करी थी, दैट्स राइट. तो ये आई ड्रॉप्स की मैं वेबसाइट ऊपर गई तो आई डोंट नो व्हिच वन टू पिक अप. यू हैव टू बाय व्हिच इज अ नॉन अल्कोहलिक वन. There are two. One is alcoholic one, and another one is non-alcoholic one. That eye drops are very, very extremely helpful for the conditions you are suffering from. But if you buy the alcoholic one, it will give you a lot of burning in your eyes. Please buy non-alcoholic. Non-alcoholic. Okay. And glaucoma ru control kari lese ne. That's right. It is for the any kind of glaucoma, retinal detachment, cataract conditions. Any stressful eyes, it is very good. Yes. अच्छा अच्छा अने कोई ने आँख में पानी खाली खाली निकलिया रखते हैं. Yes, they can use that only once a day. For glaucoma, you have to use twice a day. अच्छा twice a day अने मारा डॉक्टर ना जे होई तो ये नहीं वापरवाना. ना initially you don't have to use them because they are giving you only to control the pressure.
The same thing happened with Cineria Maritima, which is doing the same thing. It is balancing your pressure as well. Acha, acha. So I can use both, you mean? No, initially you use both of them for 2 weeks. Uh-huh. And then you just use the Cineria Maritima. You don't have to use the other ones. Acha, acha. So once I get the other ones, so lassine, to ek pach mari va doctor vari nahi vaparvani. That's right. Then you use the Cineria Maritima. Yes. Acha, ne twice a day, ne? Twice a day. Hi. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Take care. Bye. Bye bye. So, high cholesterol के बारे में हम बात कर रहे थे. So, please make sure these three enemies, the sugar, salt and saturated fat should be away from your food. That's the most important thing. If you want to cure your cholesterol condition, we don't want to manage it or control it. We want to cure this condition. We don't want to go into any medicines for any conditions. This is I was always talking about. कि please, हर एक बीमारी की दवाइयाँ, हर एक बीमारी का कोई ना कोई इलाज हमें ढूंढना है नेचुरल तरीके से. चलिए चलते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ. हेलो. हेलो जी. हेलो. सत श्री अकाल जी. आपने ना मेरी मेरी वाइफ दे हाथ पैर सुनदे आ ते किते किते दा ओदा बीपी भी लो रहंदा ते थोड़ा ओदा नु की फिर नॉर्मली वध्या ज्यादा नहीं हैगा. अच्छा, उनको क्या आपने कहा कि लो ब्लड प्रेशर है? हाँ. ओके. और उनके हाथ पैर सो जाते हैं आपने कहा? हाँ जी. अच्छा, और उन थोड़ी देर बैठ के सो जाता है, थक जाती है जल्दी. थक जाती है. अच्छा, और उनकी उम्र कितनी है? उम्र तो उसकी 43 है. 43, ठीक है. आप टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं आप. थैंक यू. हाँ जी, आप सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं. हाँ, मैं बताता हूँ. थैंक यू. देखिए, लेडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बीमारियां होती हैं जिसका ब्लड टेस्ट, द होल ब्लड टेस्ट हैज़ टू बी डन. अगर आपकी वाइफ ने पूरा ब्लड टेस्ट नहीं करवाया तो उनको कहें. शायद ये थायराइड के कारण भी हो सकता है, शायद उनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स चलती हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर जो लो हो जाता है, ये उन सारी चीज़ों के कारण हो सकता है. तो अभी एक छोटे से ब्रेक का टाइम है. ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और आपकी वाइफ की जो बीमारी है उसके बारे में मैं बताऊँगा क्या आप कर सकते हैं. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के. And like a mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 GB of ultra-fast 4G data, unlimited UK minutes and texts, plus 100 international minutes to selected countries for the low price of just £15 for 30 days. Experience a faster world with our 4G network. Terms and conditions apply. To order your free SIM, visit likeamobile.co.uk today. Your data, your way. Like a mobile. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it? But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. To rok le. Usman, agar tujh mein dam hai, to tu ab mujhe rok ke dikha. किस्मत कब क्या करेगी किसको पता है. खुशी गम शुभ अशुभ दुख सुख आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल एमएटीवी पर. हिस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक विद 303 एयर कंडीशन रूम्स एंड स्वीट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्वेट स्पेसेस इन लंदन, मीटिंग रूम फॉर अप टू 1200 पीपल, कॉन्फ्रेंसेस, म्यूजिकल फंक्शन, वेडिंग्स या कोई भी गैदरिंग.
मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ हेस्टन हाइट। फॉर बुकिंग्स कॉल 0208-572-1818। Gateway Gazette is a program about Christian minorities throughout the world. We focus especially on Christian minorities in India and in Pakistan. Watch us on this channel every Thursday, 8:15 p.m. London time. Pure Heaven, non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven, make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडेमिया के बारे में, और मैं आपको बता रहा था कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी। आज का जो शो है उसमें सिर्फ आखिरी 15 मिनट बच चुके हैं, तो वी विल कवर दिस टॉपिक नेक्स्ट थर्सडे एज वेल। नेक्स्ट थर्सडे में ज़्यादातर कौन से खाने की चीज़ें हैं जो हमें कोलेस्ट्रॉल में खानी चाहिए, और कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ या तो घरेलू उपचार हैं जिसका हम उपयोग करके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में या तो क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो खाने की बात कर रहे थे, मैंने आपको तीन बिगेस्ट एनिमीज के बारे में बताया। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन हाई कोलेस्ट्रॉल इज अ स्ट्रेस। अगर आपका जीवन, आपका जो लाइफस्टाइल है वो अनवांटेडली हाई स्ट्रेस है, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार माना जा सकता है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तब आपकी आर्टरीज जो होती हैं वो नैरो होती है। जब आर्टरीज नैरो होती हैं देन द थिंग्स बेसिकली स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, उसके बीच चीज़ें इकट्ठी होती हैं, जमा होती हैं, और उसके बाद ही ये इम्बेलेंस्ड वाली जो पोजीशन है वो बनती है। तो अगर आप स्ट्रेस हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट यू कैन डू फॉर दैट कंडीशन। जनरली आयुर्वेद ये सजेस्ट करता है कि हर रोज सुबह उठकर 20 मिनट्स आप सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी के द्वारा प्राणायाम करें। प्राणायाम इज द बेस्ट थिंग टू बैलेंस योर मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सबकॉन्शियस एंग्जाइटी, फीलिंग डाउन, क्लिनिकल डिप्रेशन। प्राणायाम को क्लिनिकली, साइंटिफिकली काफ़ी ज़्यादा कारगर माना गया है इस बीमारी के अंदर। तो अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है और अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर करें कि आप सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों नॉस्ट्रिल से बराबर उसका अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करें, न एक में ज़्यादा न एक में कम। इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। करीबन 20-25 मिनट्स एवरी मॉर्निंग करें, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल। उसके अलावा अगर आप हाई स्ट्रेस्ड हैं तो आप मेडिटेशन, हठ योगा जो ब्रीदिंग योगा होता है वो भी कर सकते हैं, ताइची भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू स्विमिंग। गोइंग इन द वॉटर क्रिएट्स द वैक्यूम, ऑल्सो मेकिंग योर बॉडी सो लाइट विच इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन टूवर्ड्स द ब्रेन एंड मेकिंग योर बॉडी मच मच क्वाइट एंड काम। इसीलिए स्विमिंग को भी एक अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं तो, बिकॉज द एनवायरमेंट इज डिफरेंट एंड यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द एनवायरमेंट यू आर लिविंग। दैट्स वाई कपल ऑफ टाइम्स इन वीक स्विमिंग इज ऑल्सो वेरी गुड वेन यू आर हाईली स्ट्रेस्ड। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एट द वन टाइम यू आर डूइंग द एक्सरसाइज विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन हाई कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि मैंने पहले ही जब प्रोग्राम की शुरुआत की तब मैंने आपको बताया था, न सिर्फ खाली एक्सरसाइज और न सिर्फ खाली डाइट से ये चीज़ ठीक होती है, ये बीमारी ठीक होती है, लेकिन यू हैव टू कंबाइन बोथ ऑफ देम। यू हैव टू डू एक्सरसाइज एज वेल एंड यू हैव टू फॉलो द डाइट एज वेल। दैट्स वाई जो लोग ओल्ड एज हैं, ज़्यादातर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, जो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो लोग ऐसी एक्वा एरोबिक्स या स्विमिंग या पानी में जाकर एक्सरसाइज अगर करें दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। प्राणायाम तो हर कोई कर सकता है बिकॉज बैठ के करना है, तो दैट इज़ वेरी यूजफुल। लोगों को एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ, लोगों को आदत होती है कपालभाति करने की। देखिए कपालभाति जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज है, उससे पेट में काफ़ी ज़्यादा गर्मी बनती है। अगर हो सके
तो अगर आपको हार्ट कंडीशन या हाई ब्लड प्रेशर या कोई भी हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से कनेक्टेड कोई भी अगर बीमारी है तो प्लीज़ कपालभाति ना करें। लोगों को टीवी पर देखकर या किसी और को देखकर करने की जो आदत होती है वो आप मेक श्योर करें कि वो इट्स अ जनरलाइज्ड योगा, सभी के लिए बताया गया है, लेकिन आपका बॉडी उसके लिए फिट है कि नहीं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप योगा की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी एक ऑथोराइज्ड योगा टीचर के पास जाकर उसको सीखें, उसके बाद ही उसको शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस करें या रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं। एकदम से सिर्फ सीडी डीवीडी या बुक में पढ़ के या किसी और के पास जानकर सीधा उसको शुरू ना करें, बिकॉज सम ऑफ द योगा प्रैक्टिसेस कैन अफेक्ट टू योर सिस्टम सो मच। तो कपालभाति के बारे में मैंने आपको बताया, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं पहले। हेलो, हेलो, बोलिए। नमस्कार। हेलो डॉक्टर, मेरी एज 50 है और मेरी बॉडी में काफ़ी हीट थी पहले। ओके। अब तो लेस हो गई है, लेकिन मेरा यूरिन नहीं ठहरता। आई मीन जल्दी पेशाब आ जाता है। पेशाब आ जाता है? हाँ जल्दी, आई मीन पता नहीं चलता, निकल जाता है। अच्छा, और हीट काफ़ी बनती है? जी हाँ। जब आपने कहा हीट बनती है तो अभी हीट अभी बॉडी में है आपके? हीट जी हाँ। अच्छा, और उसके लिए कुछ ले रही हैं आप, कोई दवाई खा रही हैं? हाँ मैं दवाई खा रही हूँ। लेकिन आपका पेशाब निकल जाता है आपने कहा? जी हाँ। तो पेशाब निकल जाता है इसका मतलब आप बाथरूम तक भी नहीं जा सकती? नहीं। अच्छा, कब से हो रहा है आपको ये? ये 2 महीने से। 2 महीने, ठीक है। आप अपना फोन रख के टेलीविजन पर सुनिए। मैं सुन रही हूँ, आप मुझे बताया क्योंकि टीवी के पास में नहीं हूँ। अरे आपको फोन रखना पड़ेगा तभी मैं आपको टीवी पर बता सकता हूँ, तो आप अपना फोन रखें। लेकिन और... मैं जब जाऊंगी तो आप फिर बता देंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आप फोन रखें, अब मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू। देखिए, आपको जो पेशाब की तकलीफ है, जो आपका पेशाब पर कंट्रोल नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपके जो फ्लोर मसल्स जो होते हैं, ब्लैडर के आसपास के जो मसल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं। मे बी बिकॉज ऑफ, जैसे आपने कहा कि आपकी बॉडी की जो फितरत है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म तासीर रही है, उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए 2-3 चीज़ें करें। सबसे पहले आप फ्लोर एक्सरसाइज करें, जो टेलीविजन पर या इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल हैं, अगर आप उसको सर्च करें, फ्लोर एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन योर ब्लैडर मसल्स, वो एक्सरसाइज आप हर रोज करें। नंबर 2, गोखरू एंड पुनर्नवा, ये जो 2 दवाइयां हैं उसका पाउडर अगर मिलता है तो 1 बड़ा चम्मच सुबह शाम, और अगर आपको टैबलेट या कैप्सूल मिलते हैं तो सुबह शाम 2-2। गोखरू एंड पुनर्नवा का उपयोग करें, उससे आपके जो ब्लैडर मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और तीसरी बात, हो सके तो ठंडा पानी ना पिए, कोसा पानी पिए, रात को 8 बजे के बाद पानी ना पिए, हो सके तो सुबह 8 से शाम के 8 यानी कि इस 12 घंटे में ही सबसे ज़्यादा पानी पिए, रात को पानी ना पिए, क्योंकि रात को अगर आप पानी पीते हैं तो ब्लैडर कैन बिकम मोर एक्टिव एंड इट इज़ मोर डिफिकल्ट। तो ये 3 चीज़ें आप करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। अभी 1 मिनट के बाद टेलीविजन के स्क्रीन पर मेरा फीडबैक नंबर आएगा, वो फीडबैक नंबर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट करें और रेस्ट ऑफ द वीक आप उस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो टेलीविजन पर आकर अपनी बीमारी के बारे में बात करना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए ये नंबर सबसे ज़्यादा यूजफुल है। यू कैन टॉक टू मी ऑन दिस नंबर रेस्ट ऑफ द वीक। कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, आयुर्वेद के पास सभी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ है विच मेक्स योर हेल्थ नेचुरली बेटर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी केमिकल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अननेचुरल थिंग्स। आयुर्वेद इट्सेल्फ इज अ नेचुरल साइंस, इसलिए हम सिर्फ नेचुरल तौर तरीक़ों से ही चीज़ों को या डिजीज़ को सही करने की बात करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल पर फिर से बात करते हैं, जिस पर हमने बात आगे छोड़ी थी, तो हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बताया कि प्राणायाम करें हर रोज सुबह 20 मिनट, प्राणायाम करें हर रोज सुबह 20 मिनट तक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन सी और एक्सरसाइज कर सकते हैं। कपालभाति ना करें, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानकारक हो सकती है, विच इज़ क्वाइट डेंजरस फॉर द सिस्टम एज वेल, तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल ना डालें। उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल के अंदर लोगों को आदत होती है लेट खाना खाने की, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शाम को 7 बजे के बाद 7:30 तक, उसके बाद खाना ना खाएं, अदरवाइज वो काफी नुकसानकारक हो सकता है। चलिए कॉलर से बात करते हैं। हेलो, हेलो, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, हमने डॉक्टर से बात करनी है। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मेरे को आस्मा की
आस्मा का प्रॉब्लम है ना. ओके. तो वो आस्मा की प्रॉब्लम है. हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए. हाँ तो मेरे को एकदम चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है ना. अच्छा, और ये जो होता है वो कितनी बार साल में कितनी बार ऐसा होता है आपको? चेस्ट इन्फेक्शन तो अभी बहुत जल्दी हो जाता है. ब्रीथ प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है. स्टेरॉइड टैबलेट्स ज्यादा खाने पड़ते हैं. इनहेलर्स लेती हैं आप? इनहेलर्स? हाँ, इनहेलर्स भी यूज करती हूँ. इनहेलर्स यूज करती हैं आप? अच्छा, और ये जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो आपको काफी साल से है, चाइल्डहुड से है, कब से है? हाँ, 15-16 साल से है. अभी तो मैं 66 हो गई हूँ. अच्छा, स्टेरॉइड्स खाती हैं आप? स्टेरॉइड्स? हाँ, स्टेरॉइड टैबलेट्स खाते हो. अच्छा, अभी भी खा रही हैं आप? एक दिन छोड़ के एक टैबलेट लेती हूँ. ठीक है, ओके. और आप मुझे बताइए, अगर सुबह जब उठती हैं आप तो मुंह में से फ्लेम निकलता है, यानी कि झाग निकलना या फ्लेम निकलता है? जब प्रॉब्लम होती है ना फिर निकलता है, एवरीडे नहीं. अच्छा, और वो कौन से कलर का? व्हाइट कलर का होता है, ग्रीन, येलो? येलो हो जाता है, कभी कभी ग्रीन होता है. ठीक है, ओके. और जब आप स्टेरॉइड खाती हैं, इनहेलर्स लेती हैं, तो चीजें सही होती हैं और तब भी चीजें ठीक नहीं होती? कभी ठीक हो जाती है, कभी नहीं. अच्छा, और लास्ट चीज मुझे बताइए, आपको ड्राई कॉफिंग होती है या कॉफ के साथ कॉफिंग होती है? नहीं, ड्राई कफ नहीं होती. ड्राई कफिंग है, ठीक है. आप अपना फोन रखें और टेलीविजन पे सुनिए. थैंक यू. देखिए, अस्थमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी है. अस्थमा होने के बहुत सारे रीजंस हैं. इट कैन बी बिकॉज ऑफ द एलर्जीज, इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर द प्रोफेशन यू यूज टू वर्क इन योर एडल्ट एज, किसी फैक्ट्री में या बेकरी में या छोटे 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 धागों के साथ क्लोथिंग्स के फैक्ट्रीज में अगर आपने काम किया है, सोल्डरिंग में अगर आपने काम किया है, जहाँ पर माइक्रो चीज़ें होती है उसके कारण भी लंग्स ख़राब हो जाते हैं और उसके कारण फिर लंग कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इट कैन कन्वर्ट इनटू लंग कैंसर. लेकिन आई डू सजेस्ट यू कि जो फीडबैक नंबर अभी आप स्क्रीन पर देख रही हैं वो उस पर आप मुझे फ़ोन करें. आई नीड टू सी योर लास्ट रिपोर्ट्स, मेनली योर पिक फ्लो. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दे चेक योर पिक फ्लो कि आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है. फ्रॉम दैट वी कैन फिगर इट आउट कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ. मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ कि आपकी बीमारी कितनी भी क्रॉनिक हो, अगर वो सीरियस है या काफ़ी ज़्यादा सालों से आप परेशान हैं, तो सिर्फ दो मिनट में, सिर्फ टीवी के स्क्रीन पर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा. और मैं चाहता भी नहीं कि मैं आपको सिर्फ दो मिनट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ गलत बता दूं कि जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए. इसलिए मैं ये फीडबैक नंबर देता हूं कि आप मुझे शो के बाद भी रेस्ट ऑफ द वीक मुझसे बात कर सकें, मुझसे रेमेडीज़ ले सकें, समझ सकें, या और ज़रूरत लगे तो मुझे मिल भी सकते हैं आप. तो ये ज़रूरी है कि आप अपना ये मेरा जो फीडबैक नंबर है उसको ज़रूर नोट करें. तो आज के लिए सिर्फ आखिरी मिनट बचा है, तो सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्विक रिकैप करते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं, स्पेशली थ्री एनिमीज़, वाइट शुगर, टेबल सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट. प्राणायाम इज़ वेरी गुड, एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी गुड, एंड पॉसिबली स्विमिंग इज़ वेरी गुड हु आर वनरेबल्स. नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे और ज़्यादा इसके बारे में, कौन से फूड ज़्यादा खाने चाहिए, कौन सी औषधियाँ हैं, कौन से घरेलू चीज़ें हैं जो हम उपयोग में ला सकते हैं जिसके कारण हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में कर सकते हैं. आज के लिए सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट थर्सडे हम बात करेंगे और, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. हैव अ ग्रेट वीक, गुड नाइट, लीव आयुर्वेदा लाइफस्टाइल.